देखो स्वाति, एक को ही झेलना इतना भारी पड़ रहा है, तुम्हें लगता है मैं दूसरी को गले में बांधूंगा? क्या कहा? मैं भारी पड़ रही हूँ तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब था कि हम इतने सालों से साथ में हैं। देखो स्वाति, मेरा किसी से अफेयर नहीं है, प्लीज। ये तो घर में राम है और गली में श्याम है स्वाति जी, ऐसे में आपको डिवोर्स फट से मिल जाएगा। थैंक गॉड, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ए, चुप करो। नहीं चाहिए। क्या बोला आपने? मुझे नहीं लगता कि इनका कोई अफेयर चल रहा है। थैंक गॉड, गिरा गया हाथ से। अरे ये मोबाइल, आई एम सॉरी स्वाति, ये सब मेरी जॉब की वजह से हो रहा है। मैं इसे छोड़ दूंगा, बस गिव मी वन चांस, जस्ट वन लास्ट चांस प्लीज। ठीक है, एक आखिरी चांस। ओके, शाम को चिंटू को, चिंटू हमारा आपका बेटा, हाँ, चिंटू को स्कूल से पिक करना होगा। श्योर। क्या हुआ, हकला क्यों रहे हो? इसके अलावा 10-12 शर्तें और हो तो। ये सिर्फ आज ही नहीं करने का है, उसको स्कूल से हर रोज पिकअप करना होगा। मुझे हर दिन जाना होगा। घबराओ मत, सिर्फ 3 दिन की बात है। ओके मिसेस स्वाति, एक दिन भी मिस किया ना? नो, मेरी इतनी मजा। मिस तो आप करेंगे मिस्टर शेखर, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि उसका स्कूल कब छूटता है। ट्वेंटी के आसपास। 4:30। सॉरी, करेक्ट टाइम सिर्फ एक बार बता दो, बस फिर भूलूंगा नहीं। 3:20। अच्छा, क्या है यार, आप बार बार फोन क्यों कर रहे हो मुझे? अगर मैंने फोन काटा है तो मैं सामने से फोन करूंगा ना, इस तरह डंडा क्यों कर रहे हो? इतना क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इतने परेशान हो? पहुंच रहा हूं मैं यार। तुमने गाड़ी ठोकी है ना, चलो चलो चलो, करो पेपर लाओ, चलो। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर, ये मुझे बहुत टेंशन हो गई है। मेरी टेंशन छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट्स आ गई क्या? तुम्हें अपनी रिपोर्ट्स की पड़ी हुई है? और यहाँ मेरी बीवी मेरा सर खा रही है। 30 लाख में मैंने एक शांत इलाके में मस्त घर देखा था, और उसने वही रेट में बीच बाजार में एक 1 रूम किचन लिया है। वो सब तो ठीक है, पर ठीक नहीं है, उसी बिल्डिंग में मेरी लवर नर्स रहती है, कल बीवी ने पकड़ लिया मुझे। ओह सॉरी सर, मेरी रिपोर्ट्स का क्या हुआ? मैंने उससे सॉरी भी कहा लेकिन नहीं मानती, ये सारी गलती मेरी बीवी की। मेरी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? पी चंद्रशेखर की, जो मैं ही हूँ। ये मेरे हाथ पे जो गांठ है ना, उसकी स्कैनिंग की थी आपने। मैंने? हाँ। क्या हुआ था वहाँ पे? अब ये मैं कैसे बताऊँ, आपने स्कैन करके बताया था कि ये शायद ट्यूमर हो सकता है। मैंने बताया? हाँ। ओ तो तुम वो हो। हाँ। अब इसने रिपोर्ट कहा रखी, नर्स भी गायब है, अभी क्या करो, कहाँ रखी है? वो रहती तो मेरी मदद हो जाती। ये फाइल होगी। रात को ज्यादा हुई थी क्या? हाँ, चढ़ गई थी तो सर पे भी लग गई। ट्यूमर हो सकता है। नर्स ने क्या कहा था आपसे? पाइल्स हो सकता है या फिर ट्यूमर, या ये कैंसर की गांठ भी हो सकती है। ट्यूमर है या कैंसर की गांठ है, कुछ बताओगे कि नहीं? एक मिनट रुक जाइए सर, दिमाग काम नहीं कर रहा।
क्या है कि जब मैं पकड़ा गया था तो मेरी छाती पे बाल नहीं थे, मतलब कपड़े नहीं थे। मीडिया वाले भी इतने आगे कुछ समझ नहीं आया। हैंगओवर उतरने दीजिए, मैं सब बता दूंगा आपको। ये टीवी वाले भी ना डेली सोप कम दिखाते, मेरी न्यूज बार बार दिखाते रहते हैं। मुझे तो तुम किसी गधे के डॉक्टर लग रहे हो। मैं गधा लगा? पहले पजामे का नाड़ा बांधना सीखो। नाड़े वाला नहीं, इलास्टिक वाला है। शेखर आप कहाँ हैं सर? आपका वेट कर रहे हैं, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? जाना यार। यस सर, मेरे जवान वहां पहुंच जाएंगे। ओके सर। क्या ये? क्या 10 मिनट में 34 मिस्ड कॉल्स? इतना तो स्वाति भी नहीं करती। ऐसा कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाई प्रोफाइल केस, टॉप सीक्रेट। ये तो हर दिन का किस्सा है। हाय सर, आपकी एज क्या है? 58 साल। रिटायर होने के बाद आप क्या करेंगे? पोता पोती को स्कूल छोड़ने जाएंगे? 20 साल पहले आपकी बीवी तो छोड़ के चली गई, और आपके उन भगोड़े बच्चों को खोज कर लाने में 4 दिन का खुफिया ऑपरेशन चलाना पड़ा था, तब जाके पकड़ पाया था। हाँ तो सर, आपके साथ काम करने में मेरे पसीने छूट जाते हैं सर। चलो छोड़ो ये सब, इस इंपॉर्टेंट मिशन के लिए सर, तुम जाओ। भाड़ में गया मिशन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरी परेशानी समझ में नहीं आ रही है क्या? आई एम रिजाइनिंग, इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या कहा? अब मराठी में बोलूँ क्या? ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? अकल आ गई मुझे। अकल आ गई? आप मेरी जान छोड़ो सर, आप रोज फोन करते हैं, हाई प्रोफाइल केस बता के किसी कोवर्ट ऑपरेशन में भेज देते हैं। मैं अपनी बीवी से झूठ बोल बोल के थक चुका हूँ। ये काउंसलिंग सेशंस और डिवोर्स केसेस अब मुझसे हैंडल नहीं होते, बहुत हो गया। कम ऑन, इसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर तुम्हें अंडरकवर या कोवर्ट ऑपरेशंस नहीं दूंगा, अब तो ठीक है ना? बैठकर बात तो करो। बैठकर बात करने का स्टेज अब जा चुका है सर। ये किसने कहा? किसी ने कहा होगा। देखिए, मुझे रेजिग्नेशन लेटर लिखने तक भी यहाँ नहीं रुकना। अरे लेकिन मैं घर जाके स्कैन कॉपी आपको मेल कर दूंगा, बस बहुत हो गया, जान छोड़ो। देखो शेखर, इस समय तुम बहुत टेंशन में हो, हम रात में ठंडे दिमाग से बात। रात हो या दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो स्कॉटलैंड से मैंने एकदम नई बॉटल मंगवाई है। अब आप तारे भी तोड़ के लाओगे ना तब भी नहीं, प्लीज। सर जीप में जो पेट्रोल भरवाया था उसका बिल चाहिए। रास्ता छोड़ शेखर, शेखर कैन यू प्लीज। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, रटता रहता है। सर आपने कुछ कहा? शेखर को कैंसर है। कैंसर? क्यों सर? क्यों क्या? आदमी है कि गधा? मतलब कहां पर? वही तो समझ नहीं पा रहा हूं, इसमें तो हाथ पर लिखा हुआ है। हाथ पर कैंसर नहीं होता सर, पाइल्स की रिपोर्ट होगी। बिना जाने क्यों बोलता रहता है? इसी वजह से वो रिजाइन कर रहा है। रिजाइन कर रहे? तब तो पक्का कैंसर ही होगा, ऊपर वाला उसका भला करे। तेरी परेशानी समझ सकता हूं शेखर। प्लीज गधे। जल्दी 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 जल्दी। ए, नीचे उतर, बाहर निकल। चल जल्दी, क्या समझ रखा है? कर जल्दी कर। रोड तुम्हारे बाप की है क्या? जहां मन करेगा घुसा दोगे? जल्दी कर, वो भाग रहा है। गाड़ी का नुकसान कौन भरेगा? ए, चल रिपेयर करवा के दे गाड़ी। ओके ओके ओके, कूल कूल डाउन। अरे मैंने रिपेयर के पैसे मांगे यार, तुमने तो पिस्तौल ही निकाल ली। जिंदगी गाड़ी से बढ़के है भाई। PX4 स्टॉर्म नया मॉडल है, अच्छी गन। चल